स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? मुझे उम्मीद है तुम लोग बहुत अच्छे से होगे, है ना? तो देखो, आज मैं एक वापस से एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है? तो चलो, ये टॉपिक क्या है और इसे हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे मसापा। मसापा हम लोग कैसे करते वो थोड़ा सा हम लोग क्लास में देखे थे, आज हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। अपवर्तक, सबसे पहले मसापा निकालने के लिए हमें अपवर्तक जानने पड़ते हैं, तो हम लोग अपवर्तक निकालें। देखो, 21 और 28 का मसापा निकालने के लिए हमें बोला गया है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 21 को और 28 को इस तरह से लिखें। अब देखेंगे 21 कौन कौन से पहाड़ा से कटते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे पहाड़ा से शुरू करते हैं, जैसे कि दो। दो के पहाड़ा में तो 21 आएगा नहीं, तो हम लोग उसके बाद तीन के पहाड़ा में जाएंगे। तीन का पहाड़ा में 21 आता है, कितने बार में? 7 बार में, तो हमने यहाँ 7 लिखा। अब हमारे पास बच गया 7। 7 कौन से पहाड़ा में आता है? 7 तो अपने ही पहाड़ा में आता है, 7 में ही, तो हम लोग 7 का पहाड़ा में 7 कितने बार में आया? 1। जब नीचे 1 आ जाएगा तब हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है? अब उसी तरह से हम लोग 28 का निकालेंगे। दो तो देखो, 4 के पहाड़ा में 28 आता है 7 बार में, फिर हम लोग 7 का पहाड़ा से 7 आता है 1 बार में, ठीक है? 1 आ गया तो अब हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो अब यहाँ पे अब हम लोग इसको मसापा कैसे निकालते हैं, इसके आगे का प्रोसेस को ध्यान से देखो, ठीक है? हम लोग लिखेंगे 21। 21 में क्या क्या अपवर्तक मिला हमें? 3, 7 और 1। तो 3 × 7 × 1। 28 में हमें क्या क्या मिला? 28 में मिला हमें 4, 7 और 1। तो लिखेंगे 4 × 7 × 1। अब हमें मसापा निकालने के लिए देखना होता है कि इन दोनों ही संख्या का, जिसका जिसका हम लोग अपवर्तक निकाले हैं, उसमें कौन कौन सी संख्या मैच कर रही है, ठीक है? जो जो मिलेगा हम लोग उसे लिख लेंगे। तो देखो, यहाँ पे 3 है, इसमें 4 है, तो 3 और 4 तो मिला नहीं। यहाँ है 7, यहाँ भी है 7, तो हम लोग का 7 मिल गया, 7 लिखेंगे। फिर 1 भी मिला तो × 1 भी लिखेंगे, और तो कोई संख्या नहीं मिली, तो हमारा मसापा क्या होगा? 7 × 1 यानी कि 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा मसापा। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछना, ओके?